शिट, इतने सारे फोन, कौन सा लूं? इस फोन में क्या खास है, इस फोन में क्या बढ़िया है? टेंशन हो जाती है। ओहो, टेंशन हो जाती है पूरी की पूरी। तो क्या आप भी ऐसे ही कंफ्यूज हो? हाँ। तो मैं हूँ ना यार, आप लोगों ने दबा किसने रखा है सब्सक्राइब का बटन? ओए होए 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 होए, क्या फोन बताने वाला हूँ, वो भी सस्ते अंडर 15,000 रुपीज में। सुपर ऑलराउंडर वैल्यू फॉर मनी फोन, जिसमें कैमरा भी बढ़िया हो, परफॉर्मेंस भी बढ़िया हो, डिस्प्ले भी बढ़िया हो, कॉस्ट बैटरी भी बढ़िया हो। लेकिन 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 कुछ कमियां भी हैं इन फोन्स में, जो मैं आपको बताऊंगा। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मैं कुछ सिलेक्टेड ब्रांड जैसे Xiaomi, Realme, Poco, Motorola और भी ब्रांड्स है, इन लोगों के एक एक स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जो मुझे और आपको बेस्ट लगते हैं, वैल्यू फॉर मनी लगते हैं अंडर 15,000 रुपीज में। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फोन, और वो कोई और ब्रांड का फोन नहीं है बल्कि मोटो G51 5G। स्पेक्स में मोटो G51 5G में आपको 6.8 इंच की FHD प्लस डिस्प्ले मिलती है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 चिपसेट दिया गया है, 4GB रैम 64GB स्टोरेज है, बैटरी कैपेसिटी 5000mAh की है, 50 मेगापिक्सल वाला ट्रिपल कैमरा है, फ्रंट 13 मेगापिक्सल का है, एंड ऑफ कोर्स स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलता है। प्राइस है 14,999। एंड इस प्राइस पे डेफिनेटली काफी बढ़िया फोन है ये। इसके कुछ प्लस पॉइंट है, इसमें आपको काफी बड़ा मिलता है डिस्प्ले, और इसमें आपको जो प्रोसेसर दे रखा है स्नैपड्रैगन 480 प्लस चिप, आपको सुन के लग रहा होगा ये स्नैपड्रैगन 480 प्लस चिपसेट, ये जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 480 प्लस 5G, भाई साहब ये छोटा पैक बड़ा धमाका वाला प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है इसकी। ओवरऑल फोन बढ़िया है, बस एक ही कमी है, ये 4GB रैम 64GB के साथ आता है, स्टोरेज आपको कम पड़ सकती है। आगे बढ़ने से पहले थोड़े से पैसे कमा लो। सो टुडेज वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय फिल्मोरा 11, द बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटर्स लाइक मी। ऑफ कोर्स आप पूछोगे इस सॉफ्टवेयर में क्या खास है, इस बार फिल्मोरा 11 में पॉपुलर गो टूल्स है फॉर वीडियो क्रिएटर्स, और कुछ इंटरेस्टिंग फीचर है जैसे कि कलर मैच वीडियो, ग्रीन स्क्रीन चेंज, स्क्रीन स्प्लिट, एंड सबसे इंटरेस्टिंग मोशन ट्रैकिंग। सो आप भी करना चाहते हो, अरे वीडियो एडिटिंग लाइक प्रो एडिटिंग, मतलब प्रो एडिटिंग ऑफ कोर्स मेरी तरह, जैसे कि वीडियो में इफेक्ट्स डालने हो, ऑडियो डकिंग करनी है, ये सारी चीजें फिल्मोरा 11 में यूं चुटकियों में सकता है भाई साहब, यूं चुटकियों में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ डाउनलोड करो, ट्राई करो, वेरी इजी है वीडियो एडिटिंग करना। नेक्स्ट फोन है और वो है वीवो की तरफ से। शॉक्ड हो गए, पहले मैं भी हुआ था, बट अंडर 15,000 रुपीज में वीवो का फोन है जो काफी बढ़िया है, इनफैक्ट वैल्यू फॉर मनी है। असंभव है, वो कोई और फोन नहीं है, वीवो का वीवो T1 5G है। प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है, 1000 रुपए ज्यादा है, 15,000 है तो 16,000 रुपए का है। और इस प्राइस पॉइंट पे वीवो T1 5G में आपको एक फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी, 5000mAh की बैटरी, 4GB रैम, 128GB स्टोरेज। तो ये फोन सिर्फ वीवो फैंस के लिए है, जिनको वीवो का फोन चाहिए। इस प्राइस पॉइंट पे सारी चीजें अच्छी है, एक छोटी सी कमी है, वो ये है इसमें आपको सिर्फ 2 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है। बट ओवरऑल इस प्राइस पे वीवो जैसे ब्रांड की तरफ से जिनके फोन थोड़े महंगे होते हैं वो आपको इस प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा वैल्यू फॉर मनी है ये फोन वीवो फैंस के लिए। बहुत से लोग कमेंट में मजे लेते हैं, कुछ ज्यादा ही मजे लेते हैं, कहते हैं कि मुझे टेक यूट्यूबर नहीं मीमर होना चाहिए। नहीं भाई साहब, मैं मीमर नहीं हूं। तेरे को पता नहीं है, लेकिन तू है। नेक्स्ट जो फोन है वो रियलमी की तरफ से है। सच बताओ ना, रियलमी भाई साहब इतना कंफ्यूज करता है। 15,000 के आसपास देखोगे तो ये रियलमी 8i, रियलमी 8, नार्जो 50। So, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रिसेंटली लॉन्च हुआ फोन मैंने सिलेक्ट किया है, और वो है Realme का Narzo 50। यस, Narzo 12999 इसकी प्राइस है, और इस प्राइस पॉइंट पर FHD प्लस डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज है, 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा है, 16 मेगापिक्सल सेल्फी है, 5000mAh की बैटरी है, 33 वॉट चार्जर के साथ, और MediaTek Helio G96 चिपसेट है। एंड इस प्राइस पॉइंट पे ये सारे स्पेक्स इस फोन को बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं, एंड एक वैल्यू फॉर मनी कह सकते हो। बड़े कमी जरूर है, ये एक 4G फोन है, एंड जो चिपसेट दे रखा है MediaTek Helio G96 ये थोड़ा सा पुराना है, बट पावरफुल जरूर है इस प्राइस पॉइंट पे। अगले फोन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं बबुआ, और ये कोई और फोन ना है बबुआ, ये हमारे आपके अपने मेड इन इंडिया का फोन है। सोचो कौन सा फोन होगा, माइक्रो मैक्स। समझ नहीं आता माइक्रो मैक्स वाले बीच बीच में कहां गायब हो जाते हैं, एक फोन लॉन्च करते हैं फिर गायब हो जाते हैं, ऐसा थोड़ी चलेगा। ओके, तो माइक्रो मैक्स का ये जो इन नोट 2 है, ये जो रिसेंटली लॉन्च हुआ फोन है माइक्रो मैक्स की तरफ से, ये भी काफी बढ़िया फोन है। जो प्राइस है वो 13499 है, एंड इस प्राइस पॉइंट पे ये आपको FHD प्लस AMOLED स्क्रीन प्रोवाइड कर रहा है, 48 मेगापिक्सल वाला क्वाड कैमरा है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी है, 5000mAh की बैटरी है, MediaTek Helio चिपसेट है, एंड ऑफ कोर्स स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस, 4GB रैम 64GB स्टोरेज है।
हाँ कुछ कमी है। सबसे पहला ये एक 4G फोन है, 5G नहीं है। दूसरा माइक्रोमैक्स इन नोट 1 आया था, बहुत से लोगों को अपडेट्स की प्रॉब्लम हो रही थी, माइक्रोमैक्स अपडेट्स ही प्रोवाइड नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर अपडेट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे पता नहीं। एक सेकंड, कौन सा मंथ है? जनवरी। उसके बाद फरवरी। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, संडे, नवंबर। बस 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 बहुत है। बस नेक्स्ट फोन टॉमी का रेडमी नोट 11 13499 इसकी प्राइस है। इस पर हमने एक डिटेल वीडियो किया था, ऊपर आई बटन नीचे दाएं बाएं जहां पे भी चैनल में जाकर ढूंढ लेना। ये फोन उन लोगों के लिए जो शाओमी के फैंस हैं, जिनको शाओमी का फोन चाहिए और एक वैल्यू फॉर मनी फोन चाहिए। और रेडमी नोट 11 में आपको FHD प्लस AMOLED 90Hz डिस्प्ले मिलती है इस प्राइस पॉइंट पे, 50MP वाला ट्रिपल कैमरा, 13MP की सेल्फी, स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, 5000mAh की बैटरी विद 33W फास्ट चार्जर, सबसे बड़ी चीज MIUI। एंड इस प्राइस पॉइंट पे AMOLED डिस्प्ले 90Hz, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, ठीक ठाक मिल जाती है, कैमरा अच्छा है, मैंने टेस्ट किया था। डेफिनेटली ये जो 13,500 रुपए का प्राइस पॉइंट है, इसको ये फोन जस्टिफाई करता है। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, पोको। अंडर 15,000 रुपीज में पोको को कैसे भूल सकते हैं। और फोन का नाम है पोको M4 Pro 5G। 14999 इसकी प्राइस है, FHD प्लस डिस्प्ले है, 50MP का कैमरा है, रियर फ्रंट, 16MP का सेल्फी है, 5000mAh की बैटरी है विद फास्ट चार्जर, MediaTek Dimensity 810 जैसा पावरफुल चिप है, 5G है, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, एंड सबसे बड़ी बात डिजाइन इसका यूनिक है भाई साहब। अब बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में इन सभी में आपको कौन सा बेस्ट फोन लगा। वीडियो लाइक कर दो यार, फैला दो यार। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।